जैसे कि 40-50% बार ऐसा होता है कि नींद ना आने का कारण एक साइकोलॉजिकल बीमारी होती है, मानसिक तकलीफें हैं। अगर ऐसा है तो एक साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। सेकंड पॉइंट है, अगर कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अस्थमा, COPD, सांस लेने की दिक्कतें, हार्ट की कंडीशंस, यहाँ तक कि मोटापा, उसकी वजह से भी स्लीप एपनियाज होते हैं और नींद आने में दिक्कत होती है। ये कुछ उसके लिए फिर आपको अपने जो भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, जैसे कि स्लीप के आजकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आ गए हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं, उनके पास जाके उनकी रिकमेंडेशंस लेनी चाहिए।